eres tú, ¿dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y das sentido a toda mi vida con tu querer. Name samjha, name jana, jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। कुल मम्मी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक गाउन जो कि मैं 2016 में ये खरीदी थी। है तो काफी पुराना, लेकिन आज भी ये ट्रेंड में है। और जब से मैं खरीदी हूँ तब से लेके आज तक के ये कभी भी मेरे पास रखाया नहीं गया है, क्योंकि शो होता है या फिर कोई इवेंट्स होते हैं तो उसमें ये रेंट में ले जाती है। तो ये गाउन मैं खरीदी थी 2016 में, जो कि एक शो में मुझे पार्टिसिपेट करना था, जो कि ब्यूटी प्रेजेंट था। और वहाँ मुझे वेस्टर्न राउंड में मुझे ये गाउन पहनना था, मैं सेलेक्ट हुई। तो ये पहला मौका था कि इसके बारे में जानने का, मुझे भी इसका कोई नॉलेज नहीं था। बस एक सुनी थी कि एक मॉडलिंग क्या होता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं जानती थी। और इसका आइडिया मुझे जरा भी नहीं था, जो ना मैं कहीं देखी थी और ना ही इसके बारे में मैं किसी से पूछी थी। इस शो के जो ऑर्गेनाइजर थे सत्या सर, वो सारे मॉडल्स को सेलिब्रेट करने के लिए दयाल रेस्टोरेंट लेकर गए। फिर हम सब कोई रेस्टोरेंट गए, मैं भी बेटी के साथ में रेस्टोरेंट गई। आने के टाइम में फिर हम सत्या सर को बाय बोलने के लिए मिले। उस टाइम में सत्या सर और जो वहाँ जो जज सब थी, वो मुझे देखी तो फिर वो मुझे बोलने लगी कि आप मिसेस में पार्टिसिपेट कीजिए। फिर मैं घर आकर अपने हस्बैंड को मैं बोली कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं और जो जज हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और डायरेक्ट ही मुझे फाइनल में लेकर जाएंगे। कोई हस्बैंड को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और वो एग्री हो गए कि पार्टिसिपेट कर लो। तो उसके बाद फिर मैं एग्री हो गई। उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी शुरू की, अपनी भी और साथ में बेटी की भी तैयारी शुरू की। तो तैयारी में हमको सबसे पहले तो ये था कि हमको चाहिए था अपना ड्रेस, जो कि वेस्टर्न राउंड के लिए गाउन बोला गया था और इंडियन राउंड के लिए साड़ी या लहंगा बोला गया था। मैं ये शो 2016 में की थी, ये क्योंकि सावन में हुआ था इसलिए सावन क्वीन के नाम से ये शो किया गया था। और इस शो के ऑर्गेनाइजर थे सत्या सर, और मैं सत्या सर को थैंक्स बोलूंगी कि मुझे इस शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और मेरे हस्बैंड को और मेरी फैमिली को भी मैं थैंक्स बोलूंगी, मुझे इस शो में मिसेस बेस्ट फिगर का अवार्ड मिला और सब बहुत खुश हुए। ये जो मैं गाउन पहनी हुई हूँ, इसका कलर ऑफ वाइट कलर है, ये प्योर व्हाइट नहीं है, ऑफ व्हाइट है। और ये नेट में बना हुआ है, नेट के ऊपर में ये वर्क किया हुआ है। और ये जो वर्क है, इस वर्क के ऊपर में इसमें जो है ये क्रिस्टल मोती का वर्क किया गया है। इसका वर्क फ्रंट में भी है और बैक में भी है। और ये गाउन जो है ये हाई लो गाउन है और देखने में भी काफी खूबसूरत है। नीचे जो है इसका नेट से बना हुआ है और इसमें काफी सारे अंदर में लेयर्स हैं। ये हाई लो गाउन होते हुए भी इसमें थोड़ा सा बॉल गाउन की तरह लुक दिया हुआ है। एक्चुअली ये गाउन मैं काफी सालों के बाद पहनी हूँ, मैं सिर्फ अपने शो में पहनी थी। और पहनकर मैं जब देखी तो मैं ये सोचने लगी कि आज मैं कैसी लगूंगी, लेकिन पहले की तरह लग रही हूँ या फिर आज मैं चेंज हो गई हूँ, तो बस थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, बाकी लुक का मुझे पता नहीं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ये जो शो था ये 5 दिनों का था, जिसमें कि 4 दिनों का हमको ग्रूमिंग दिया गया और 5वें दिन फाइनल शो किया गया। तो ग्रूमिंग में हमको सिखाया गया कि हम वॉक किस तरह से करें, हम स्टेज में जब परफॉर्म करें तो हम किस तरह से बोले, हम किस तरह से ऑडियंस के सामने अपने आप को परफॉर्म करें, जज को हम किस तरह से इम्प्रेस करें। इस तरह से हमको 4 दिनों का ट्रेनिंग दिया गया द वेव इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में, जो कि वहाँ हमारा फोटोशूट था। जिसकी इच्छा थी वो स्विमिंग किए और जिनकी इच्छा नहीं थी वो जुम्बा क्लास था वहाँ, तो जुम्बा भी कर सकते थे। हमारे जमशेदपुर का बहुत ही अच्छा और नामी रेस्टोरेंट है।
उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए गाउन कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स रात के 2 बज चुके हैं और मैं अभी खाना भी नहीं खाई हूँ, आपको मैं टाइम भी दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे घर की घड़ी में अभी 2:10 हो चुके हैं और मुझे अब थोड़ी थोड़ी नींद भी लग रही है। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas. Pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेनोरिटा। ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबा है सेनोरिटा। Y en la mirada quédate cerca de mí. Eres tú donde has estado. He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer. Na me samjha, na me jana, jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi na jaane kyun mujhe sunke acha laga hai señorita.